हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कभी आपकी स्ट्रीट फाइट हो जाए और वो काफ़ी ज़्यादा जने हो, या फिर आपका स्ट्रीट फाइट में आप हल्के पड़ रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या करो, तो आप स्ट्रीट फाइट को एक या दो पंच में कैसे फिनिश कर सकते हो, कुछ ही सेकंड में फाइट को कैसे ख़त्म कर सकते हो। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है कि जब भी कोई भी आप पे अटैक कर रहा है या कंटिन्यू अटैक कर जा रहा है, आपको दो तीन जनों ने घेर लिया, तो आपको कुछ नहीं कर रहा, आपको जो भी अपने सामने दिख रहा है, तो आपको उसके वीक पार्ट पे बहुत तेज़ एक राइट अपरकट मार देना है, चाहे वो रिब्स हो सकती हैं, ये वाला पॉइंट हो सकता है। और आपको मैं यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा हैवी पड़ रहा है और बहुत ज़्यादा काबू के बाहर है, आपको पता ही नहीं चल रहा कि आपको क्या करना है, तो सिंपल आप कुछ मत करो, एक अपरकट उसके इस वाले पॉइंट में बहुत स्पीड से, बिल्कुल ऐसे पूरे हार्ड हिट से मार दो, फाइट वहीं ख़त्म हो जाएगी, एक बंदा तो वहीं बैठ जाएगा, फिर ऐसे दो जने होंगे वैसे यादें घबरा जाएंगे कि इसके क्या हुआ। बट आपको ध्यान रखना कि जैसे आप उसके अटैक करो तो आप या तो अपने आप को सेफ करो, या तो उस जगह से भाई दूर हो जाओ हल्का सा, या फिर जो आसपास में दो जने और हैं, फिर दो तीन जितने भी हैं, तो आप उन पे भी सेम यही अटैक करो, जिससे आप फाइट को जल्दी से फिनिश कर सको। अगर एक ही बंदा है आपसे स्ट्रॉन्ग है, लंबा है, हट्टा कट्टा है, तो उसके साथ तो सिर्फ आपको कुछ नहीं करना, एक अपरकट मार देना है, वहीं फाइट ख़त्म हो जाएगी, चाहे वो कितना ही तगड़ा होगा, फाइट वहीं फिनिश हो जाएगी। हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जब भी आपकी फ़ाइट हो रही हो, अगर वो हल्का सा दूर है, आपको लगा कि धक्का वक्का मारेगा, और उसने अगर धक्का मारा, पीछे आपकी दीवार है, आपकी इंजरी हो सकती है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपको क्या करना है, तो या तो आप चिन पे कैसे ये मार दो, चिन अप ऐसे कहते हैं ये वाला पंच चिन के ऊपर, क्योंकि चिन भी हमारा वीक पार्ट में आता है, तो चिन पे या तो ये मार दो, या फिर एक नोज के ऊपर राइट स्ट्रेट मार दो, पूरा ऐसे हार्ड हिट के साथ यही चिन अप मार दो, राइट स्ट्रेट या चिन अप, इन दो में से एक पॉइंट का अच्छे से अटैक कर दो, तो ये भी वीक पार्ट के अंदर आते हैं, चिन और नोज, तो फाइट वहीं पे फिनिश होने के पूरे पूरे चांसेस हैं, एक पंच से ज़्यादा वो झेल नहीं पाएगा। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है कि अगर आप हल्का सा क्लोज हो उसके, उसने आपको पकड़ रखा है, आपके पंच आप नहीं चला पा रहे प्रॉपर तरीके से, तो हमारा जो ये वाला पार्ट होता है, तो आप इस पार्ट पे से एल्बो मार सकते हो, ये पूरी हार्ड हिट से इसका यूज़ कर सकते हो, ऐसे एल्बो मार सकते हो, ये भी वीक पार्ट में आ सकता है, ये भी वीक पार्ट में आता है, अगर हमें अटैक करोगे तो उसके इंजरी होने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे और आप अपने आप को सेव कर सकते हो। बट इन तीनों को अटैक करने से पहले मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि लड़ाई को जितना हो सकता है उतना अवॉइड करो, क्योंकि लड़ाई से आपको भी इंजरी हो सकती है, आपको भी कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा लड़ने से, और कभी भी आगे से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। और इन पंचों का, इन पॉइंटों का भी आपको जब भी यूज़ में लेना है, आपको लग रहा है कि आपके इंजरी के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, आपके बहुत ज़्यादा लग सकती है, आपको अपने आप को बचाना पड़ रहा है, तभी आपको इन चीज़ों को यूज़ में लेना है, अदरवाइज़ आपको इन चीज़ों को बिल्कुल भी यूज़ में नहीं लेना है, क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा इंजरी हो सकती है। अगर आपको लग रहा है कह रहे तो ऐसे लड़ाई करता रहता है, मतलब ये तो अब मेरे ज़्यादा इंजरी कर सकता है, कुछ इसका मतलब लग रहा है कि यार लड़ोकड़ा है, मतलब मेरे बहुत ज़्यादा मार सकता है, आपको डर है इस चीज़ का, तभी आप इन चीज़ों का यूज़ में लो, अदरवाइज़ मैं आपको ये चेज करूँगा कि लड़ाई तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, और लड़ाई हो तो उसको बातों से सोल्व करने का ट्राई करो, कोई आपको अवॉर्ड नहीं मिल रहा लड़ाई के बदले में, तो लड़ाई को जितना हो सकता है इग्नोर करो, और इन पॉइंट को जब भी यूज़ करो जब आपको बहुत ज़्यादा नीड है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट था कि एक तो आप वीक पॉइंट के ऊपर, ये वाला पॉइंट सबसे वीक होता है, साथ साथ ये वाला पॉइंट वीक होता है, बट सबसे ज़्यादा जो वीक होता है बॉडी के अंदर वो ये वाला पॉइंट होता है। आप कभी खुद के भी ऐसे ट्राई करके देखना हल्का सा बस ऐसे ही, तो आपको लगेगा यार कितना वीक पॉइंट है, तो आप इस पॉइंट को इम्प्रूव कर सकते हो, कहीं कोई आप पे अटैक ना कर दे प्लैंक वगैरह करके, लेग रेस करके, तो इस पॉइंट को, खुद के पॉइंट को इम्प्रूव करो, अदरवाइज़ किसी दिन आपके किसी ने मार दिया, या बॉक्सिंग में आप खेल रहे हो कभी अपरकट पड़ गया, तो आपके भी इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, आप नॉकआउट हो सकते हो, तो इस पॉइंट को इम्प्रूव करो। हमारा फर्स्ट पॉइंट था, या तो आप इस पॉइंट पर अपरकट मार सकते हो, रिस्ट पर अपरकट मार सकते हो, सेकेंड पॉइंट था चिन अप मार सकते हो, ये या फिर एक नाक के ऊपर, नोज के ऊपर बहुत अच्छा राइट स्ट्रेट मार सकते हो पूरा हार्ड हिट के साथ। और नेक्स्ट था आप अपनी एल्बो का यूज़ में ले सकते हो, जब आप बिल्कुल क्लोज हो, आप अपने हाथों को यूज़ में नहीं ले पा रहे, आपके बिल्कुल ऐसे पंच नहीं मार पा रहे आप अच्छे से, तो आपको कुछ नहीं करना, उसने पकड़ रखा है, तो आपको बस ये हल्का सा पास आ गया, ये एल्बो, ये एल्बो, बस इस वाले पॉइंट पे थे। तो कुछ बेसिक पॉइंट जिनसे आप सेकंड राउंड में फ़ाइट को ख़त्म कर सकते हो और अपने आप को इजीली सेफ कर सकते हो। बट लास्ट में यही बोलूँगा कि फ़ाइट वगैरह नहीं करनी चाहिए, जितना हो सकता है उतना इग्नोर करो, और इन पॉइंटों को भी जब भी यूज़ मिलो जब आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो होप दिस वीडियो हेल्प्स यू, अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहें, अपना ध्यान रखें, कीप सपोर्टिंग।